चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में लगातार बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनी एक इमारत जो कि मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ी बताई जा रही है, उसके तीसरे फ्लोर को गिराया जा रहा है। दरअसल यह थर्ड फ्लोर पूरी तरह से गैरकानूनी तरीके से बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में हजरतगंज इलाके में एक इमारत की तीसरी मंजिल को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये इमारत मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ी हुई बताई जा रही है और तीसरी मंजिल को पूरी तरह से गैरकानूनी तरीके से बिना नक्शा पास किए बनवाया गया था। और यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को की तीसरी मंजिल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तेज़ कार्रवाई कर रही है। उनसे जुड़े हुए तमाम संपत्तियों को या तो जब्त किया जा रहा है या इमारतों को गिराया जा रहा है। उसी के तहत अब ये मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए इस इमारत की तीसरी मंजिल को न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।